हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास टेंथ के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से चैप्टर फॉर द एंशिएंट पूल के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड सही क्वेश्चन। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इनको सभी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड ऑल ऑफ युधिष्ठिर्स ब्रदर डाइड। तो इसका मतलब है कि जो युधिष्ठिर के सभी ब्रदर थे वो कैसे मर गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज, कि युधिष्ठिर के सभी भाई की मृत्यु हो गई थी क्योंकि दे इग्नोर द वार्निंग ऑफ यक्ष। इन्होंने जो यक्ष थे, जो यमराज थे, उनकी द्वारा दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था। एंड ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर ऑफ पूल, और उन्होंने जो तालाब था उसका पानी पीने का प्रयत्न किया। सो यक्ष किल देम ऑल, इसीलिए जो यक्ष थे उन्होंने उन सभी भाइयों को मार दिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, तो आप सब इसे याद कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट नकुल एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी द एंशिएंट पूल। व्हाट डू यू नो, आप नकुल के बारे में क्या जानते हैं इस स्टोरी के अंतर्गत द एंशिएंट पूल। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। युधिष्ठिर चूज नकुल टू बी एलिव। जो युधिष्ठिर थे उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए चूज़ किया था, उनको चुना था। ही वॉज द सन ऑफ माद्री, वो माद्री के पुत्र थे, सेकेंड वाइफ ऑफ युधिष्ठिर फादर। जो युधिष्ठिर के पिता थे उनकी दूसरी पत्नी जो माद्री थी, नकुल उनके पुत्र थे। ही वॉज ब्रॉड चेस्ट, वो बहुत ही उनकी जो छाती बहुत चौड़ी थी, वो चौड़ी छाती वाले थे। डिपिक्टेड एज क्लाउड कॉम्प्लेक्स, और वो बादल की तरह बहुत ही घने थे। एंड लॉन्ग आर्म, और उनकी भुजाएं बहुत बड़ी थी। तो ये था ये नकुल के बारे में कुछ। तो चलिए हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर थे उनके अनुसार, अ मैन कैन बी हैप्पी, जो मैन है, जो इंसान है, वो खुश रह सकता है, इफ़ ही कंडक्ट इज़ गुड, अगर जो उसका आचरण अच्छा है। एंड ही कंट्रोल हिज डिज़ायर्स, और वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है, इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, तो एक मनुष्य बहुत ही खुश रह सकता है। तो ये आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, What quality of युधिष्ठिर pleased the यक्ष most? युधिष्ठिर की ऐसी कौन सी क्वालिटी थी जिसके द्वारा यक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए? How did he rewarded him for that? और उन्होंने उन्हें इस चीज़ के लिए किस प्रकार से पुरस्कृत किया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिर impartiality pleased the यक्ष most, जो युधिष्ठिर की निष्पक्षता थी वो जो यक्ष को बहुत ही अच्छी लगी, उसके द्वारा ही वो यक्ष जो थे, जो यमराज थे, वो बहुत ही खुश हो गए। सो यक्ष रिवॉर्डेड हिम बाय रिवाइविंग हिज ऑल डेड ब्रदर। तो जो यक्ष थे उन्होंने उनके सभी ही मृत्यु भाइयों को पुनर्जीवित करके उन्हें पुरस्कृत किया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।